हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, आरआईसी रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसके रिगार्डिंग हम पूरी एक सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले 2022 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो हम वीडियो अपलोड करें उसमें 2023 के क्वेश्चन हम डिस्कस करें। इससे पहले वाली सीरीज में मैंने 2023 के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज वाली वीडियो में हम आगे वाले 10 और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इन वीडियो को ज़रूर आप रेगुलर बेसिस पर देखो ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आरआई के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल पर अपनी तैयारी करनी है। बाकी अगर आप आरआई में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड बीएड में हो या टू ईयर बीएड में हो या एमएड में हो, किसी भी अगर लेवल पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके आरए की प्रिपरेशन कर सकते हो। हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आरए की प्रिपरेशन कराते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जस्ट प्ले स्टोर पर जाके ACUG सर्च करो, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लो। या कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन डाउट है तो आप नीचे टेलीफोन नंबर आपको दे रखा होगा उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वेस्ट दिल्ली में तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा सेंटर है, आप ऑफलाइन वहाँ पर विजिट करके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो में बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। देखो इंक्लूजन किसे कहा जाता है, देखो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, समावेशी हिंदी में कहा जाता है। इंक्लूजन मतलब सबको साथ में लेके चलना है। देखो बेसिकली पहले क्या होता था, टीचिंग को लेकर जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट होते थे, बच्चे होते थे, उनके लिए क्या किया जाता था, अलग से अरेंजमेंट किया जाता था ताकि उन्हें अलग से ट्रीट किया जाए, अलग से पढ़ाया जा सके। बट बाद में रियलाइज हुआ कि ये गलत तरीका, हम उन्हें सेग्रीगेट करें, अलग करें, बल्कि इंक्लूजन क्या कहता है कि सबको एक साथ लेके चलो, सबको साथ में लेके चलो। ऑब्वियस सी बात है, आप उन्हें अलग तरीके से पढ़ाओगे तो हो सकता है उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए उनके अकॉर्डिंग, बट वो बाकी बच्चों से अलग हो जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है, वो नहीं सीख पाएंगे। और वो जो स्पेशल चाइल्ड है वो भी बाकी बच्चों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इंक्लूजन क्या कहता है, बिना कोई डिस्क्रिमिनेट किए हुए सबको एक साथ लेके चलना हमारा इंक्लूजन की स्ट्रैटेजी कहलाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर किसी के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है आंसर। बाकी एक बार बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देना ये भी गलत है। सेग्रीगेशन मतलब अलग करना ये भी गलत है। तो देखा जाए तो 11th का सबसे करेक्ट यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो सेकंड है, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर किसी के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके सबके साथ लेकर के उसे चलना ही हमारा इंक्लूजन कहलाता है। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC की बात हो रही है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कब इस्टैब्लिश किया था, किस साल इस्टैब्लिश किया गया था, तो ध्यान रखना 1956 इसका करेक्ट साल है, ठीक है। तो ध्यान रखना UGC को कब इस्टैब्लिश किया था, 1956 में किया गया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन, कौन सा इंस्टीट्यूशन कब इस्टैब्लिश हुआ था, इस टाइप के आपको हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चन, तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु। एक क्रिएटिव लर्नर कौन होता है, क्रिएटिव लर्नर कौन होता है जो क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को सॉल्व करता है, अच्छी तरह से करता है। पहला ऑप्शन है टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। जो बंदा ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छा है क्या उसे हम क्रिएटिव लर्नर कह सकते हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छा हो वही सिर्फ क्रिएटिव लर्नर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई इंटेलिजेंस, तो क्रिएटिव लर्निंग और हाई इंटेलिजेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटेलिजेंस अलग चीज़ है और क्रिएटिविटी अलग चीज़ है, तो ये भी देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगला, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। आप टेस्ट में लगातार अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ये भी देखा जाए तो क्रिएटिव लर्निंग को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th है, गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो, किसी भी प्रॉब्लम का, जरूरी नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने का आपके पास यूनिक तरीका है, क्रिएटिव तरीके से उसे सॉल्व कर पाते हो, तो आप एक क्रिएटिव लर्नर कहलाओगे। तो क्रिएटिव लर्नर किसे कहा जाता है, हु इज गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होता है उसे हम गुड एक क्रिएटिव लर्नर कहते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर 4th होगा। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है, वाइल राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड पे लिखते टाइम टीचर कैन यूज एनी कलर, टीचर कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं, तो ये देखा जाए तो गलत है। क्यों, जैसे आप सामने देख सकते हो ये व्हाइट कलर का ही बोर्ड है, अगर मैं इस पर किसी दूसरे लाइट कलर से लिखूं, जैसे ये व्हाइट ही है, इससे लिखूं तो क्या विजिबल होगा, ऑब्वियस बात है नहीं होगा विजिबल। या मैं येलो कलर से लिखूं तो हो सकता है पास बच्चे बैठे हुए बच्चों को दिख जाए, बट दूर जो बच्चा बैठा हुआ है उसे नहीं दिखेगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि हमें व्हाइट बोर्ड पर हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। अगला है, ऑन ग्रीन बोर्ड पे टीचर कैन राइट विद
व्हाइट चॉक, बिल्कुल ग्रीन बोर्ड पे आप व्हाइट चॉक से लिख सकते हो क्योंकि वो विजुअल होता है, ठीक है। अगर आप ग्रीन बोर्ड पे व्हाइट चॉक का यूज़ करो तो दूर तक बच्चों को नजर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो देखा जाए तो आप आगे ऑप्शन पढ़ लेते कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया, दोनों ही इनकरेक्ट है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि हम ग्रीन बोर्ड पे व्हाइट चॉक से लिख सकते हैं। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, देखो एक इफेक्टिव क्लासरूम किसे कहेंगे या इफेक्टिव क्लासरूम में क्या होता है। देखो मैंने पहले भी ये चीज़ बहुत बार डिस्कस की है, इफेक्टिव क्लासरूम का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे चुपचाप बैठे हो, इफेक्टिव क्लासरूम का मतलब यही होता है जब बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करो, इंगेज हो, तभी हम उसे इफेक्टिव क्लासरूम कहते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है द स्टूडेंट कम्पीट विद देयर पीयर टू स्कोर हायर स्कोर, हाई स्कोर स्कोर करने के लिए जब कॉम्पिटिशन हो तो क्या हम इसे इफेक्टिव क्लासरूम कहेंगे। नहीं, हमेशा हमें क्लासरूम में कॉम्पिटिशन को नहीं, कॉम्पिटिशन को कभी भी हमें इंकरेज नहीं करना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि सब मिल करके आगे बढ़े वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड है द टीचर जस्ट लेक्चर एंड डू नॉट इंटरटेन स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ठीक है, यानी टीचर जो जस्ट अपना लेक्चर दे और क्वेश्चन जो है बच्चों के ना सुने, ये भी गलत है बिल्कुल ही, ठीक है। फिर तो इफेक्टिव क्लासरूम हुआ ही क्या, इफेक्टिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है, टीचर स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करें। इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन में बस इतना कहा जा रहा है कि टीचर ने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया और बच्चों के कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए जा रहे, तो ये गलत ऑप्शन है। अगला है द टीचर इनकरेज पीयर डिस्कशन, बिल्कुल ये सही है कि एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए पीयर डिस्कशन को, यानी बच्चे आपस में डिस्कस करें, जो भी प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, आपस में मिल करके काम करें, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी एक बार फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द स्टूडेंट पैसिवली, यहाँ पे तो पहला ही पैसिवली जैसे वर्ड आ जाए तो गलत ही है, पैसिवली मतलब पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है, जबकि एक इफेक्टिव क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट दोनों को एक्टिव होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट को पैसिव होना चाहिए, ठीक है। तो 15th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन पे आते हैं, द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू दी, देखो एक अच्छा एजुकेशनल प्रोग्राम किसे कहा जाता है जो किसके अकॉर्डिंग हो। पहला ऑप्शन है नीड ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट को जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए हमें, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, टीचर के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें एजुकेशन का प्रोग्राम जो भी बना रहे हो वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, स्टूडेंट को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल स्टूडेंट की एबिलिटी तो हमें ज़रूर देखनी चाहिए और बच्चों का इंटरेस्ट भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखा जाए तो ए सी और डी इसका करेक्ट है, तो देखो ए सी डी यानी कि इसका 16 का सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं, ओरल एक्सप्रेशन कैन बी फैसिलिटेट विद द हेल्प ऑफ, ओरल एक्सप्रेशन को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं लेक्चर मेथड के थ्रू। देखो ये चीज़ मैंने बहुत बार समझा रखा है, लेक्चर मेथड और सेमिनार मेथड कभी भी बच्चों के इंगेजमेंट को इनकरेज नहीं करता, बच्चे वहाँ पे पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पे बेसिकली ओरल एक्सप्रेशन या किसी भी चीज़ की बात हो रही है कि बच्चे ओरली चीज़ों को प्रेजेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, तो कभी भी लेक्चर मेथड में, क्योंकि लेक्चर मेथड में बस टीचर लेक्चर दे रहा होता है, सेमिनार मेथड में भी बस एक स्टूडेंट या एक टीचर अपना लेक्चर दे रहा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आपको ओरल एक्सप्रेशन को ज्यादा फैसिलिटेट करना है तो इसमें डिस्कशन मेथड और फील्ड विजिट मेथड ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो लेक्चर जो डिस्कशन मेथड है उसमें स्टूडेंट के आपस में डिस्कस करते हैं जिससे उनका ओरल एक्सप्रेशन और ज़्यादा बेहतर हो पाता है। सेम चीज़ जब वो फील्ड विजिट करते हैं इससे क्या है, वो विजुअली चीज़ों को देख पाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पुट कर पाते हैं, पूछ पाते हैं, उससे और ज़्यादा उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अभी एक दो साल पहले जहाँ तक मुझे पता है गवर्नमेंट स्कूल में एक स्टार्ट किया गया, 11th 12th के जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्हें इंडस्ट्री विजिट कराया जाता है, इंडस्ट्री को विजिट कराया जाता है, किसी भी आसपास की जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्री या कोई बड़ी भी इंडस्ट्री हो सकती है वहाँ बच्चों को लेके जाया जाता है, वहाँ पे उन्हें दिखाया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ये सब कुछ वहाँ पे दिखाया जाता है, समझाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो ये क्या है, फील्ड विजिट है, ठीक है। फील्ड विजिट के थ्रू भी वो अलग अलग क्वेश्चन पुट करके अपने जो भी क्वारीज है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ओरल एक्सप्रेशन में बी यानी कि डिस्कशन मेथड और ई यानी कि फील्ड विजिट मेथड सबसे बेहतर माना जाता है, तो बी और ई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर सेकंड होगा। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, द इन्फिनिट इज सिचुएटेड एट, देखो इन्फिनिट क्या है पहले तो ये समझो, देखो जो इन्फ लिखा है इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये लिप जो लिखा है, यहाँ लिप जो दिख रहा है वो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में आपको नेट दिख रहा है वो नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। इन्फिनिट का जो है मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसे ताकि आपको समझ आ जाए ढंग से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो लिख रखा है इन्फिनिट, इसका मतलब क्या है वहाँ पे समझो, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क,
ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ध्यान रखना है ये अहमदाबाद में है, ठीक है, गुजरात अहमदाबाद के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क कहाँ पे सिचुएटेड है, अहमदाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन है, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लेक्चर रेफर टू, सेल्फ रेगुलेट रेगुलेशन ऑफ लेसन क्या होता है। देखो लर्नर अगर सेल्फ रेगुलेशन के तौर पर अगर लर्न करे, यानी कि इससे क्या कर रहा है, बच्चा खुद अपने आप को रेगुलेट करके चीज़ों को समझ रहा है, सीख रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट चीज़ क्या है वो देखते हैं। क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर देमसेल्फ, अपने लिए रेगुलेशन बनाना, ठीक है, या सेल्फ डिफेंस तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, या मॉनिटरिंग देयर ऑन लर्निंग, या अपनी खुद की लर्निंग को मॉनिटर करना, या सेल्फ डिसिप्लिन। देखो देखा जाए तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ काफ़ी हद तक सही लग रहे होंगे आपको, बट यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर, एक लर्नर का सेल्फ रेगुलेशन से क्या मतलब होता है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को मॉनिटर करो आप, कि आप कितना पास्ट में कैसे थे, अब क्या है, इंप्रूवमेंट है या नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या इंप्रूवमेंट है तो कितनी है, यानी अपने आप को मॉनिटर करना और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए प्लान बनाना, ये हमारा सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आता है एक लर्नर के लिए। तो मॉनिटरिंग देयर ऑन लर्निंग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 19th का थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन द प्रोसेस प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें सबसे पहला दे रखा है रिलेटिंग द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज। बिल्कुल आपको पता होगा कि अगर हमें बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो पहले उनकी पास्ट नॉलेज को एसोसिएट करो, ठीक है, जो प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है उसके साथ, ताकि आपको चीज़ों को डिलीवर करने में समझाने में काफ़ी आसानी होगी। ये तो है, बट कौन सा लेवल कौन से नंबर पे है वो देखना होगा। इवैल्यूएशन, आप सबको पता हो इवैल्यूएशन लास्ट में आता है, तो ये तो चलो लास्ट में होगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा रीटीचिंग, दोबारा पढ़ाना, ठीक है, लिसनिंग ऑब्जेक्टिव, बच्चों के जो भी ऑब्जेक्टिव वो देखना, ठीक है, बच्चों के क्या ऑब्जेक्टिव है उसे सुनना, या अगला है प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल को प्रेजेंट करना। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम हमेशा पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, बच्चों के लिसनिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को सुनते हैं कि बच्चों का क्या क्या सुन क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या उन्हें प्रॉब्लम, ये सब सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो बच्चों से समझो या एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो भी ऑब्जेक्टिव अपना प्रेजेंट करना चाहता है उसे समझना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी लेक्चर डिलीवर करने से पहले लिसनिंग ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो डी आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, उसके बाद हम उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड लेसन प्रेजेंट करने से पहले क्या करते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट के साथ, ठीक है, यानी कि उसके बाद ए हो जाएगा। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझा, फिर उसके बेसिस पर रिलेटिंग दी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना जो भी लर्निंग मटेरियल वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, देन लर्निंग मटेरियल को प्रेजेंट किया जाता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने समझा उसे इवेल्युएट करेंगे, क्या बच्चों को जो भी हमने लर्निंग मटेरियल से जो भी समझाया क्या वो समझ आया या नहीं आया, तो हमारा बी आ जाएगा। अगर समझ आ जाएगा, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आया, ठीक है, अगर मान लो बच्चों को नहीं समझ आया तो हम क्या करेंगे, रीटीचिंग करेंगे, दोबारा पढ़ाएंगे, तो दोबारा पढ़ाना सबसे लास्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो डी ए ई बी सी, तो डी ए ई बी सी देख सकते हो थर्ड नंबर पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 20 का थर्ड करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको पता ही होगा इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो आपने 2022 के जो 30 क्वेश्चन थे उसे मैंने 3 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस किया था। 2023 का जो ये क्वेश्चन पेपर है उसके मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था। आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन और डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर हमारे 2023 का भी खत्म हो जाएगा। आपको पता ही होगा टीचिंग अपलोड के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं RICE के अंदर, चाहे वो आप ग्रुप ए का दो या ग्रुप बी का या ग्रुप सी का, किसी भी लेवल का दो, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वेल एंड गुड, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल मैं 100% रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।